Hey guys, welcome back to my vlog. So, आज हम निकल रहे हैं बंगला साहिब की और आप देख सकते हैं मैं ऑल सेट हूँ, रेडी टू रोल हूँ. सो अब निकलते हैं बंगला साहिब की और आपको दिखाते हैं कुछ हसीन रोड के शॉट्स. तो चलिए शुरू करते हैं. सो आज मैं फर्स्ट टाइम मोटर ब्लॉग कर रहा हूँ और वाह सुबह सुबह का मौसम और ये हवाएं दिल चीज जाती है. तो और आप देख सकते हैं जैसे ओह माय गॉडनेस. Laying down under the sun, burning love 'cause we are young. No one tells us what's done wrong 'cause it's just me and you. ਸਸ਼ੇਗਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾ ਜਾ ਤੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੋ और ये देखिए मंकीज एवरीवेयर. ओह माय गॉडनेस. सो गाइस ये आज का एक टर्न पूरा हुआ तो चलते हैं अपने घर की ओर. हे गाइस व्हाट्सअप. सो आज सुबह हम उठे थे 5 बजे और 5 बजे उठ के हम गए थे राइड पे, शॉर्ट राइड पे. और शॉर्ट राइड पे आपने देखा था बंगला साहिब की शॉर्ट्स, आप देख ही चुके होंगे या देख लोगे. सो उसके बाद मैं आके सो गया हूँ और सोने के बाद उठा, खाना खाया. खाना खाने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ चांदनी चौक, कुछ सामान लेना है कोकरों का, एक ऐसा ला रहा है उसका, और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है. तो चांदनी चौक जा रहा हूँ तो वहाँ का शूट करके आपको दिखाऊंगा. तो तब तक, और बाय द वे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे इंस्टाग्राम का आ रहा होगा हैंडल, वहाँ पे जाके फॉलो जरूर करिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए. सो स्टे ट्यून एंड अब व्लॉग्स आने चालू हो गए, मिलते हैं नेक्स्ट शॉट पे.
तो अभी हम पहुंच चुके हैं सदर बाज़ार, और सदर बाज़ार की गलियों में घूम रहे हैं। तो ये सारी होलसेल मार्केट है, सबको पता ही है वैसे तो, और देख सकते हो बड़े और अभी हम सभी निकले थाने चौक से। मीट यू नेक्स्ट शॉट। हे गाइस, सो फाइनली मैं अब आ चुका हूँ चांदनी चौक से घर पे, और यहाँ पे घर से आके मैं नहा धो के छत पे आ गया, क्योंकि शाम का मौसम है और शाम का मौसम बहुत ज़्यादा अभी अच्छा हो रहा है और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो फाइनली चलो अब बताता हूँ मैं आपको चांदनी चौक से क्या क्या लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं ये लाया हूँ, ये ट्राईपॉड है, और ये मुझे काफ़ी अच्छी डील में मिल गया वहाँ पर चांदनी चौक में, और इसको मैंने अभी लगा रखा है, बेसिकली खाली डब्बा है। और दूसरा मैं ये लेके आया हूँ कोडेक का माइक, जो कि मेरे गोप्रो के लिए है, और अभी गोप्रो में मैं कोई माइक यूज़ नहीं कर रहा था, एक्सटर्नल माइक कोई यूज़ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ अपने फ़ोन से एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग करके उसमें मर्ज कर रहा था। सो फाइनली मैं अभी एक ले आया हूँ एक ये माइक, और माइक के साथ साथ मैं लाया हूँ उसका अडैप्टर। तो हीरो 4 के लिए ये अडैप्टर आता है, जो उसके बाद उसका माइक आपको दिखाता हूँ, ये वाला एक 6 मीटर की वायर के साथ है, मुझे यही मिला तो मैं यही लिया। मुझे पता नहीं कि ये वाला माइक जब लगाऊंगा तो कितना लंबा जाएगा, पर हाँ स्टिल मैं ये वाला माइक ले आया। ओरिजिनल माइक है कोडेक का, और ये इस कुछ पाउच में मिला है मुझे, और एक मोबाइल होल्डर है। सो यही सब सामान लाया हूँ, और जो कुछ सामान एक्स्ट्रा जो आपने मेरी एक थंबनेल पे पिक देखी होगी, वो कुछ और सामान था, वो कभी आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। सो अभी के लिए मैं यही सामान लेके आया हूँ अपने फॉर कैमरा पर्पज़ के लिए। एक ट्राईपॉड है, मोबाइल होल्डर है, ऑडियो के लिए माइक है। अब मैं आपको इनका रेट बताता हूँ। जो मेरे को ट्राईपॉड पड़ा है वो पड़ा है 800 रुपये का। बहुत ही अच्छी डील लगी मुझे, क्योंकि ये ट्राईपॉड मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, और उसके साथ ये जो कोडेक का है उसने मुझे 1500 रुपीज़ बोले थे, पर मैंने उसे 1200 रुपीज़ दिए इसके, और 300 रुपीज़ माइक अडेप्टर फॉर GoPro हीरो 4। सो गाइस, एक बात और बतानी थी, जैसे कि आपने सुबह देखा मैं सुबह उठ के अपना गुरुद्वारे बंगला साहिब गया, पर अंदर नहीं गया, बाहर से आ गया, बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो इस वजह से मैं अंदर नहीं गया, बाहर से ही माथा टेक के आ गया, और हनुमान मंदिर के भी बाहर से माथा टेक के आ गया, अंदर नहीं गया। पता नहीं क्यों मैं गया तो वहाँ पे माथा टेकने था, और मैं सच बताऊँ मैं जाता रहता हूँ, पर मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा क्राउड लगा, बिकॉज ऑफ कोई उनका स्पेशल डे था इस करके, और इसलिए मैं बाहर से आ गया। और उसके बाद घर पे आया, थोड़ी देर सो लिया, सोने के बाद उठा, देन उसके चांदनी चौक चला गया, फिर शाम को अभी आके आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फाइनली यही था डे, और हाँ बस आपको कल ये व्लॉग मिल जाएगा, मिलते हैं कल।